कैसेग्रेन.com से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जानकारी देने वाले हैं आपको कि कैसे जो है वो आप हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा की रेजिडेंसी है और आप जो वो चाहते हैं डाउनलोड करना अपना इनकम सर्टिफिकेट। बिल्कुल, अगर आपने अप्लाई किया था और बनवाया था कभी इनकम सर्टिफिकेट, आप जब वो किसी यूज़ के लिए आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था, वो लॉस्ट हो गया है, कहीं पर गुम हो गया है और आप चाहते हैं कि उसको वापस ढूंढ लें और आप जब उसका जो भी यूज़ करना चाहते थे वो यूज़ कर लें, तो आज इस वीडियो के अंदर जब वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना लॉस्ट हुआ गुम हुआ जब वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके लेमिनेट करवा के अपने पास रख सकते हैं इन फ्यूचर यूज़ के लिए। तो सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा लीजिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है इंटरनेट ब्राउजर में, जैसा आपको दिखा रहे हैं, और आपको विजिट करना होगा edisha.gov.in पर। बिल्कुल आपको जाना होगा edisha.gov.in पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो जाते ही मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको क्लिक करना है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट, तो आपके पास में वेरिफिकेशन के लिए डिटेल तो नहीं है, लेकिन आप जब यहां से अपना डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट या फिर जब आप अपना प्रिंट करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो आपको क्लिक करना है फॉरगेट ई दिशा ट्रांजेक्शन आई डी और CIDR.ID। तो आप जो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर जो बहुत सारी डिटेल पूछी जाती है, तो उनमें से आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जिनके आगे स्टार लगा हुआ है वो वाली डिटेल, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल, और आपको रूरल है या अर्बन है, और आपके गांव और तहसील के बारे में डिटेल आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर जब आपको नाम अपना, अपना जेंडर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं फटाफट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे जो वो हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक रैंडम नेम उठा लेता हूँ, सोनू, और यहाँ पर जब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांसजेंडर। तो मेल जो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सोनू मेल है। और यहाँ पर जब हम डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, इस पर क्लिक करेंगे, तो हमें जब डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से जब आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। आप सीधा भी जहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पर DD यानी डे और स्लैश लिख करके MM यानी मंथ। तो यहाँ पर जब अगर हम डे डालना चाहें, तो यहाँ पर जब वो कोई भी रेंडमली जब वो हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि आज का ही डाल देते हैं, और कब की बर्थ है उसकी वो वाली भी जो डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो वाला जो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से जब वो कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, रोहतक मान लीजिए, और तहसील जो वो आप जो भी चाहते हैं, जैसे कि लाखन माजरा रोहतक में, तो जो भी आपके हैं वो वाली आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वो एरिया रूरल है या अर्बन है, आप मान लीजिए गांव में रहने वाले हैं तो रूरल है, शहर में रहने वाले तो अर्बन है, तो आप रूरल हैं तो रूरल सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर विलेजर्स के नाम हैं, जो भी नाम आपको जब यहाँ से थे वो वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से जब वो सिलेक्ट कर देता हूँ उस नाम को, और जैसे अटेली, अटाइल, ये कोई जगह का नाम है। तो यहाँ से जब वो इतना करने के बाद आपको क्लिक करना होता है सर्च पर। बिल्कुल आपको ये वाली डिटेल जो वो ज़रूरी है भरना, अगर बाकी आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए उनको। आप ये वाली डिटेल भरने के बाद आप क्लिक कर दीजिए सर्च पर। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपके साथ, तो यहाँ पर जो वो मैं आपको डिटेल नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिखा दिया जाता है व्यू का नीचे की तरफ। तो आप जैसे ही इस व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको जो वो पूरी डिटेल्स आपको दिखा दी जाएगी आपके CIDR नंबर वगैरह के बारे में, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको जब वो यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे उनकी डिटेल्स जो आपको मिल जाएगी यहाँ पर जो वो नीचे की तरफ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए, आप जैसे ही इसको ओपन अटैचमेंट को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जब वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी नीचे की तरफ, और डाउनलोड होने के बाद जब आप उसको आसानी से ओपन कर पाओगे और आसानी से जो यूज भी कर पाओगे, और आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और लेमिनेट करवा सकते हैं उसको, वो उतना ही वैलिड है, उतना ही फुल प्रूफ है जितना कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपका गुम हो गया वो वाला था। होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को जो वो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा लो ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहे। कमेंट में डालिए जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।